पेज चला रहे हो गुरलाभ सिंह का, तो तुम की लिखते हो? मैं उन्होंने दस दी जो मैं लिखती, मैं अपने नाम तो लिखती हाँ भी गुरलाभ सिंह पेज है जो मेरे हसबैंड का पेज है, वो मैं लिखती हाँ जो मैं लिखती, मैं अपना थले अपनी आपका नाम लिखती हाँ गी, तो कुछ भी आप सरकार के कद खिलाफ उन्होंने लिखे ने जो है साढ़े मुद्दे आ पंजाब के उन्होंने गल करी दी है, जो साढ़े पब्लिक के मसले आ वो असी करी दे, क्योंकि असी वोटा दे के सरकार चुनते हैं, जदों सरकार साढ़ा मसलों पर हल नहीं करते है ना, जां साडा फसलां दा हो गया जां साडियां नस्लां दी गल हो गई, ओह असीं वी उहदे ते फिर जदों सरकारां साडी सुनवाई करदे। गुरलाभ सिंह तुहाडे पति है जी? हाँ जी मेरे। इह किस तरह दा पेज चलाउंदे हो उहनां दा जी? पेज तो पेज ही है, देखो किस तरह की एक्टिविटी है जी, एक्टिविटी पंजाब दे मसलियां ते गल करी दी है, जिवें कि हुण कोई खास खास दी खेती है, सिंथेटिक ड्रग्स दा हैगा है ना भी बहुत ज़्यादा, उन्होंने रोकथाम असं खसखस की खेती की मांग करते हैं, इन्हों मसलों पर लिखते रही, नशिया के खिलाफ लिखते रही, पंजाब के फसलों नस्लों जड़ियाँ बर्बाद हो रही उन्होंने चीज़ों बारे लिखते रही। की पुछगिछ की कीती गई है तुहाडे वल्लों? उन्होंने यही पूछा भी थोड़ा कोई भी बाहर कोई रिश्तेदार है थोड़ी किसी गलबात होंगी, मैं कहनी जी साडी किसी नाल जिन्नी जिहदे नाल होंदी आ उन्ना को उन्होंने दस्सिया भी किस तरीके नाल होंदी आ सारा उन्होंने दस दिया। सोशल मीडिया ते भी किसी दे नाल टच सीगे तुसीं? हाँ जी सोशल मीडिया से तो मतलब जिन्हें भी ऐड आ है ना फ्रेंड लिस्ट के उन्होंने दसता भी मैनू ये बारे इन्ना ज़्यादा पता नहीं है, जो मेरे नाल ऐड हैगे सी जो सानू हौली हौली मैनू समझ आई उन्होंने बंद मैं आपके नाल अलग करता मतलब उन्होंने अनफ्रेंड करता तो वो हूँ मेरे नाल ऐड नहीं है। बघेल सिंह का नाम भी आ रहा किसी का? हाँ जी बघेल सिंह का कहते तुम उन्होंने की गलबात हुई, उन्होंने मैं दसता भी साढ़े उन्होंने कोई मेरी बहुत ही गलबात नहीं, कहते तुम उन्होंने परसनली जानते हैं, मैं उन्होंने मैं कोई परसनली जानती नहीं गी, फेसबुक से सी दीप सिद्धू करके सी, उस तो बाद फिर कोई जथेबंदी दुफाड़ होगी, मैं ये भी नहीं पता भी जथेबंदी किस करके दुफाड़ हुई है, तो कि बंदे किधर है, कि उन्होंने अपन कोई जानकारी नहीं भी। दीप सिद्धू कहते दीप सिद्धू बारे मैं दीप सिद्धू बारे भी असं दीप सिद्धू के नाल कल भी सी अज भी हाँ तो अगे भी रहेंगे मरदे दम तक रहेंगे, मेरी आने वाली कई पीढ़ियां दीप सिद्धू के नाल जाएंगी। कोई पैसे वगैरह भी कोई फंडिंग? नहीं जी कोई फंडिंग फुंडिंग मैनू कोई नहीं आएगी ना, असी किसी के यहोजे पैसे से असं ढकार मारते हैं ना सानू लोड़ है तो ना ही सानू चाहिए आ। शुरू तो इतने रहने? नहीं इतने रेंदे मैं 15 साल हो गए मेरा ये मकान बनाए नू, तो असी बठिंडे तो हाँ वो उन्होंने मैं सारी गल दसती है, उन्होंने पूछे असी थोड़ा जद्दी पिंड कि असं उन्होंने दसता भी साडा पिंड जद्दी बठिंडा तलवंडी साबो आ, तो इतने असी भी ड्यूटी की गुरद्वारा साहब 17-18 साल, तो वो असं उन्होंने सारा कुछ लिखाता हैगा, तो भी इतने असं मकान बनाया इस जगह मुल ले सी, मकान असी खुद बनाया भी पूरी जिंदगी दे विच असीं सिर्फ आ मकान बनाया, उन्ना कसी जो सानू थोड़ा आउंदा तो थोड़ा खा लैने, कई बार नहीं भी आउंदा तो असीं नहीं भी खांदे। तुहाडे हसबैंड इत्थे रहिंदे नाल? हाँ जी मेरे नाल रहिंदे। की करदे ने? ओह हुण ट्रक चलाउंदे आ। ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਏ? ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਲਿਖ ਦਈਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰਹੇ? ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਲਗਭਗ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਰਹੇ। ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਣਿਆ, ਮੇਰੀ ID ਦੇਖ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਪੇਜ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀ ਆਈ ਡੀ ਫੇਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕੁਛ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਹਲੇ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪੂਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਬਸ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਣਬੁਣ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਗਲਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ